अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े होंगे। सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां ध्रुव की शादी हो रही है चंद्रा के साथ, लेकिन घूंघट के अंदर चंद्रा नहीं बल्कि तारा है। सब देखने के लिए सब लोग दे रहे हैं और मास्टर जी ने वहाँ से अपनी बात की पर्सनली। जी हाँ, दरअसल ध्रुव यह समझ रहा है कि उसकी शादी चंद्रा के साथ हो रही है और शादी की सारी रस्में भी हो रही हैं, लेकिन दुल्हन कोई और नहीं बल्कि तारा है। दरअसल घर में आई एक ऐसी स्थिति के कारण तारा को मंडप में घूंघट ओढ़कर बैठना पड़ा। वहीं वरमाला पहनाते वक्त तारा के हाथ कांपने लग जाते हैं, जिसके बाद उसके पिताजी कान में उसे कुछ कहते हैं। इसके बाद तारा ध्रुव को वरमाला पहनाती है और फिर ध्रुव तारा को वरमाला पहनाता है और पूरे मंत्रोच्चार के बाद विवाह संपन्न होता है। अब बता भी दो देवरानी जी, हमारे ध्रुव के साथ शादी करने में आप अपना मन पक्का कर रही हैं या फिर मना कर रही हैं? वेल, अब तारा की शादी ध्रुव के साथ हो गई है, जिसे ध्रुव चंद्रा समझ रहा है। असल में वह तारा है। तो क्या अब तारा की होगी ध्रुव के साथ विदाई या फिर सीरियल की कहानी में आगे आएगा कोई नया मोड़, यह देखना दिलचस्प होगा।